ये सर पूछ रहे हैं, मैडम है सर, बीएड के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन 10th ग्रेजुएशन है, इलेक्टिव इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी ऑनर है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी है, टेल मी द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका जो समरी बन रही है वो ये है, और आपके लिए बेस्ट कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन आपको केयरफुली चलना चाहिए क्योंकि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी चल रही है आपकी। जो सोशियोलॉजी चार स्कूल सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के, उनमें नहीं आता, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये आते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट की जॉब जब निकलती हैं ये चार पोस्ट में से हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए अगर आप सोशल SST के लिए, TGT के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, तो वो आपके पास नहीं है। इलेक्टिव इंग्लिश है, इलेक्टिव इंग्लिश की पोस्ट काफी निकली है, 790 के करीब 2022 में निकली है, तो इलेक्टिव इंग्लिश का आपको फायदा है, ये आप फाइनल कर लीजिए क्योंकि 3 साल भी पढ़ी है, एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, और आप TGT के लिए डायरेक्ट एलिजिबल बन रहे हो। और आपके मेजर, ये तो माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा, माइनर से घबराना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में कोई माइनर नहीं होता, आप एलिजिबल हो। सोशियोलॉजी आप अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, मुझे आपका रीजन नहीं पता, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला PUP या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सी लिखा है यहाँ पर, अगर इस एरिए में हो तो आपको सोशियोलॉजी के साथ, एक ही सब्जेक्ट के साथ ऑनर भी है, आपको SST आराम से मिल जाएगी। लेकिन वो करने के बाद, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस लेने के बाद आप एलिजिबल नहीं हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद आपको एडिशनल करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल वो एडिशनल कौन सा करेगा, ग्रेजुएशन में से इनमें से एक चूज करोगे। मेरे हिसाब से हिस्ट्री को चूज करना चाहिए आपको नंबर 1 पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट भी लेक्चरर की PGT की हिस्ट्री की निकली है। दूसरा के CBSE के से एफिलेटेड, जब सेंट्रल बोर्ड से एफिलेटेड जॉब निकलती हैं तो उसमें हिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो इनमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी ऑप्ट कर सकते हो ज्योग्राफी इफ पॉसिबल, अदरवाइज हिस्ट्री बेटर है। तो हिस्ट्री की आपको एडिशनल सब्जेक्ट दे के, अगर आपने यहाँ इसके साथ पढ़ा है तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री दे के फिर आप पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपने कर लिया है तो आप SST के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब का इनका भी आ जाएगा, BA में भी कैसे देना है और पोस्ट BED में भी, लेकिन आपको BA की जरूरत है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में BED कर रहे हैं तो आपको सिर्फ माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप साथ में ही एडिशनल पेपर हिस्ट्री का, जहाँ ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस कोई भी देना चाहते हो वो साथ में ही दे पाओगे, और आप BED करते करते ही जब एंड होगा BED का तो आप SST के लिए एलिजिबल बन जाओगे। अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल GNDU में आपको, सॉरी GNDU से आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, फिर भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला प्रेफर करती है कि पंजाब में से किसी भी यूनिवर्सिटी में से आपने की है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मुझे क्लियर नहीं है, वो क्लियर करके बता दूंगा। तो ये आपकी है ब्रीफ समरी, इंग्लिश आपने नहीं छोड़ना, सोशियोलॉजी की पोस्ट बहुत कम निकलती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, सोशियोलॉजी पैडागोजी सब्जेक्ट बहुत कम कॉलेजेस में अवेलेबल होगा, तो दैट इज़ वाई आपको सोशल साइंस प्रेफर करनी चाहिए और एडिशनल साथ में ही देना चाहिए और SST के लिए एलिजिबल बनना चाहिए। अगर ये सारी आपको प्रेफरेंस नहीं है सोशल स्टडी की तो देन आपको सोशियोलॉजी ढूंढ के वो तो करना ही है, वो सोशियोलॉजी करके बाद में आप पेडागोजी ऑफ SST और BA के ये अलग से दोगे, उसमें आपका कम से कम आपका 1 साल लग जाएगा, क्योंकि अगर सेमेस्टर सिस्टम में है तो आपके BA के एग्ज़ाम जो है पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के 2 सेमेस्टर में होंगे, वो साल गया, और BED के बाद ही आप साथ में SST दे सकते हो, पेडागोजी ऑफ SST। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअल।